हाय एवरीबॉडी, नमस्ते। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा डबल लेयर गरारा बताने वाली हूँ, जो कि आउटर फ्रिल से बना हुआ डबल लेयर है और लेयरिंग में भी थोड़े छोटे बड़े हैं। और ये देख सकते हैं, आउटर लेयर में बना हुआ डबल लेयर बहुत आसान है और ये बहुत सिंपल फैब्रिक से मैंने बनाया है, पर आप चाहें तो एक अच्छा फैब्रिक लेके इसे बना सकते हैं। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स बता देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। मेन आपको मैं लेंथ बता देती हूँ, जिसमें 18 इंच का हम स्ट्रेट रखेंगे नी तक, और जो दो फ्रिल है वो एक 18 इंच का है और एक 20 इंच का है। तो अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं अपना। तो आप ये देख सकते हैं, डबल फोल्ड करके हमने फैब्रिक को बिछा लिया है। आप ये देख सकते हैं डबल फोल्डेड है। जब भी आप गरारा बनाते हैं तो फ्रंट बैक सब कुछ सेम रहता है, एक ही साथ कट होता है। अगर हम नॉर्मल प्लाजो बनाते हैं तो उसमें फिर फ्रंट और बैक में थोड़ी डिफरेंस रखते हैं। तो दोनों सेम हमने मोड़ के फैब्रिक रख लिया है। जो नी तक स्ट्रेट पार्ट है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो जो ये मैंने दिखाया था आपको मेजरमेंट, आप ये देख सकते हैं, जिसमें 18 इंच जो कि नी तक 18 इंच है, वो उसकी हम यहाँ लेंथ निकाल के उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और बाद में फ्रिल का कैसे, वो आप बाद में आगे आगे देखते जाओगे। तो 18 इंच का हमें कट करने के लिए लगभग 22-23 इंच का मैंने, ये देख सकते हैं, फैब्रिक लिया है। वैसे 21 इंच में भी हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम 4 इंच में मार्क करेंगे, जिससे ये 1.5-2 इंच का बेल्ट बनेगा। जैसी आपकी इलास्टिक होगी उसके अकॉर्डिंग आप मार्क करेंगे। आप 3.5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि सुइंग और फोल्डिंग में भी थोड़ा थोड़ा फैब्रिक जाएगा, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अब ये सारे पॉइंट्स को मिला के हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और इसको हम 1.5 इंच मान के चलेंगे। अब नीचे की हम लेंथ पे देखेंगे, हम लगभग 17 इंच में मार्क करेंगे। ऊपर का 1.5 ऐड होगा तो 18.5 होगा। हमें 18 इंच का चाहिए तो 0.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो कि सुइंग में जाएगा। अब इन पॉइंट्स को भी जोड़ के हम स्ट्रेट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे से है वो कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा 18 इंच का जो स्ट्रेट पार्ट है वो निकल गया है। अब अपना वेस्ट और क्रॉच जो है उसको हम अपना मार्किंग कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने दिखाया था, ये मेरे अकॉर्डिंग वेस्ट 11 इंच है और क्रॉच 14 इंच है। तो हम सबसे पहले 11 इंच पे मार्क करेंगे। जैसे मैंने वेस्ट और क्रॉच निकाला, वो मेथड आप वहाँ से देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम 1.5 ऊपर मान के चल रहे हैं और नीचे लगभग हम 12.5 पे मार्क करेंगे। जो दोनों ऐड होगा, 1.5 + 12.5, तो वो 14 हो जाएगा। यहाँ फिर से हम 11 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंटर को जोड़ के हम एक बॉक्स बना लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सारे मेजरमेंट्स चेंज कर लीजिएगा। ये एक्सल डबल एक्सल साइज़ का प्लाजो है। अब यहाँ जो क्रॉच एरिया है वहाँ पे हम लगभग 3 इंच की मार्किंग करेंगे। वैसे 2 से लेकर 3.5 इंच तक आप मार्क कर सकते हो, जैसी साइज़ हो। कम साइज में 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, यहाँ मैंने 3 इंच में मार्क किया। अब इसको फ्री हैंड ही हम गोलाई दे देंगे। कैसा हिप एरिया जिसका जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग क्रॉच को ज़्यादा और कम रखेंगे, और यहाँ नीचे हम फ्री हैंड कर लेंगे। अगर आपको फिटेड गरारा चाहिए तो फिर आपको यहाँ से मार्क करना होगा अपना नी वाला पोर्शन राउंड में करके और उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो ऐसे फ्री हैंड आप कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक डेमो की तरह से हमेशा प्लाजो बताती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि आप प्लीज़ अच्छा फैब्रिक यूज़ करेंगे। गैदरिंग के लिए ज़्यादा फैब्रिक लेंगे, लेस लगाएंगे, तो आपका गरारा बहुत सुंदर बनेगा। बस आप इसको एज ए डेमो लीजिएगा, फैब्रिक आप और अच्छा यूज़ करिएगा। तो ये देखिए, हमारा ऊपर का पार्ट कट गया। अब हम नीचे के फ्रिल का काम शुरू करेंगे, उसके लिए फैब्रिक कट करके निकालेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, लगभग ये डबल फोल्ड में जो ऊपर वाला पार्ट है वो लगभग 13-14 इंच का है। तो इसका मतलब डबल फोल्ड में ही फ्रिल बनाने के लिए हमें फैब्रिक लगभग 26 या 28 इंच का चाहिए मिनिमम, और अगर ज़्यादा रहेगा तो और अच्छा घरारा घेरे वाला बनेगा। तो दो
दो गुना तो कम से कम होना ही चाहिए, नहीं 3 गुना 4 गुना आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा 2 गुना से भी थोड़ा कम है फैब्रिक, क्योंकि मैं ये 2.5 मीटर में ही बना रही हूँ। अगर आप 3 मीटर लेंगे तो अच्छा फैब्रिक मिल जाएगा। तो लगभग 22 इंच का है, तो बहुत घेरा नहीं बनेगा, पर मैं वही अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग, बस यहाँ आप आइडिया ले सकते हैं, फैब्रिक आप जितना डालेंगे उतना अच्छा घेरा बनेगा। तो ये देखिए डबल डबल फोल्ड करके ये 4 पीसेज हैं, दो एक पैर के दो एक पैर के, जिसमें दो बड़े हैं और दो छोटे हैं, जिनकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको मेजरमेंट में बताया था कि 2 18 इंच के होंगे दोनों पैरों के लिए और 2 20 इंच के होंगे, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ 2 पीसेज हैं 18 इंच के और 2 पीसेज हैं 20 इंच के। मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखा क्योंकि इसको मैं हेम करूँगी, जो पिको करते हैं। अगर आपको लेस लगानी होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग लेंथ को चेक कर लीजिएगा। तो आप ये देख सकते हैं ये 2 इंच बड़े वाले हैं और 2 इंच छोटे वाले हैं। अब इनको सबसे पहले हम दोनों साइड में, अप साइड डाउन साइड दोनों साइड में हम इनको पिको कर लेंगे, उसके बाद हम इनकी फ्रिल बनाएंगे। तो ये देखिए अब हम सुइंग स्टार्ट करेंगे, और सुइंग में जो सबसे पहले हमारा नी तक का स्ट्रेट पार्ट है उसको पैंट की तरह पूरा सिल लेना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे दोनों को एक साथ, और साइड से सू कर लेंगे और ऊपर से जो बेल्ट वाला पार्ट है उसको भी सिल लेंगे हम। इस तरह से साइड में दोनों सिलाई कर लेंगे, ऊपर से एक हल्का फोल्ड करके जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ तक हम एक फोल्ड करके बीच में छोटा सा जगह छोड़ के हम बेल्ट इलास्टिक डालने के लिए सिल देंगे। तो देखिए हमने सिल लिया है, पूरा पैंट हमारा रेडी हो गया है, फुल नीचे की सिलाई सब कुछ यहाँ देख सकते हैं। नीचे हमने थोड़ा सा एज पे ऊपर की तरफ फोल्ड करके भी सिल लिया है, ऊपर बेल्ट के लिए भी सिल लिया है, थोड़ा सा जगह इलास्टिक डालने के लिए छोड़ दिया है। तो ये ऊपर का पार्ट अब पूरा रेडी हो गया है। अब इसमें हम नीचे फ्रिल का काम करेंगे। तो फ्रिल में देख सकते हैं मैंने फैब्रिक ले लिया है और ऊपर नीचे दोनों इंटरलॉक कर लिया है। अगर आपको नीचे लेस लगानी है तो फिर नीचे इंटरलॉक नहीं करिएगा, पर ऊपर इंटरलॉक करना ज़रूरी है क्योंकि हम ये आउटर फ्रिल बना रहे हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा, या चाहे तो आप नीचे फोल्ड करके सिंपल सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर आपको इंटरलॉक करना होगा जहाँ से हम फ्रिल गैदरिंग बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे हम गैदरिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से ये अटैच होगा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। तो ये 4 पीसेस हो गए दोनों पैरों के लिए, एक छोटा और एक बड़ा, एक छोटा और बड़ा। अब हम इसकी गैदरिंग तैयार करेंगे। तो जो गैदरिंग है वो हम सिंपल सुई धागे से आपको बताएंगे, जो सबको आ जाए। हम मशीन से भी बना सकते हैं पर सुई धागे से बताएंगे, जिससे ज़्यादा लोग इसका यूज़ कर सकें। बस सिंपल आपको कच्चा सिलाई करना है इस तरीके से, और आपकी गैदरिंग बनते जाएगी। तो ये गैदरिंग बनाने का सबसे आसान तरीका है। नहीं तो अगर आपको मशीन से बनाना है तो आप बड़ा टांका करिए और उस पर सिलाई चला दीजिए, आपकी गैदरिंग आटो बन जाएगी, आटो में बन जाएगी। तो इसी तरीके से जो चारों पल्ले हैं उनकी गैदरिंग हम बना लेंगे। आप थोड़ी बड़ी निडल लेंगे तो आपको आसानी होगी, मैंने छोटी निडल ली है, पर अगर आप बड़ी वाली निडल लेंगे ना तो उससे गैदरिंग बनानी और आसान होगी। तो देखिए ये हमारी गैदरिंग बन गई है। इसी तरीके से हम चारों रेडी कर लेंगे, तो आपको दिखा देते हैं। और देखिए ये जो गैदरिंग है उसके बाद आप पैंट पे रख के ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका जो पैंट का ओपन एरिया उसके बराबर है कि नहीं। अगर छोटा बड़ा है तो आप गैदरिंग को ईजिली एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों पीसेस हमने फ्रिल बना लिए हैं, दो बड़े और दो छोटे हैं। अब इनको हमको कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ करके। तो ये बड़ा वाला हम लेंगे एक, और छोटे वाले के बीच में हम
डालेंगे इस तरीके से। आप ध्यान से यहाँ प्रोसेस देखिएगा, इसको डालेंगे और जहाँ जोड़ है उसको हम मैच करा लेंगे और गैदरिंग को भी हम मैच ऐसे कराएंगे कि इक्वल ही सब कुछ रहे। तो इनको हम अच्छे से कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से हम दोनों पैरों का एडजस्ट कर लेंगे और इसी के अंदर हमें अपना जो पैंट बनाया हुआ है उसको डालेंगे। फ्रिल साइड ऊपर ही रखेंगे, पैंट को इसी तरीके से हम नीचे की तरफ डालेंगे इस तरीके से। अब अच्छे से हम इसको एडजस्ट करके ऊपर से पिन की हेल्प से पहले कच्चा कर लेंगे और उसके बाद हम पक्की सिलाई चलाएंगे। तो ये देखिए हमने पिन जो होती है उसको लगा करके इस तरीके से पूरा अटैच कर लिया है। देख सकते हैं फ्रिल आधा इंच छोड़ के पिन लगाया, उसी तरह हम सिलाई भी आधा इंच छोड़ के लगाएंगे। और ये देखिए दोनों में डिफरेंस है। आप चाहें तो यहाँ लेसेस लगा लें, कुछ भी कर लें, वो टोटल आपकी मर्ज़ी। आप कितना हैवी अपने गरारे को बनाना चाहते हैं तो लेसेस लगाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे जहाँ पे पिन हमने लगाई है। ऊपर से आधा इंच छोड़ के ही लगाइएगा, तभी जो आपका ऊपर का फ्रिल है वो अच्छा लगेगा। अगर आप एकदम एज से शुरू से ही सिलाई लगा देंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से दोनों पैरों पे जो फ्रिल हम अटैच कर लेंगे, गैदरिंग को आप एडजस्ट करते जाइएगा। ऊपर से ध्यान रखिएगा आधा इंच छोड़ के ही आप सिलाई चलाएं, गैदरिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो उसका भी ध्यान रखिएगा। और जितना ज़्यादा फैब्रिक डालेंगे, जैसे होता है ना जितना आप शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा, तो उसी तरह जितना फैब्रिक डालेंगे आपका गरारा उतना ही अच्छा बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा गरारा हमने दोनों तरफ सिलाई चला ली है, बन के रेडी हो गया है। अब सिर्फ हमें इलास्टिक डालना बाकी है। जो हमने यहाँ ओपन छोड़ा था वहाँ से इलास्टिक डाल लेंगे। जितना भी आपका वेस्ट है उससे 10-12 इंच कम इलास्टिक डालेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमने इलास्टिक डाल लिया है, सब कुछ रेडी हो गया है। और ये गरारा प्लीज़ आप ट्राई करिएगा, फैब्रिक ज़्यादा डालिएगा, लेस लगाइएगा, आपका गरारा फेस्टिवल में पहनने के लिए, शादियों में पहनने के लिए बहुत अच्छा बनेगा। तो प्लीज़